हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के क्वेश्चंस थे, सॉरी उसका जो थ्योरी पार्ट था, मीनिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसका टैक्सेशन रेट क्या था, कब लगता है, उसका प्रोविजन क्या था, TDS का रिक्वायरमेंट क्या था, TDS को कब भरना है, वो सब का सब लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हर एक वीडियो को 5 से 10, 10 से 15 मिनट के अंदर ही अंदर कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स का है, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको कोई भी वीडियो को पूरा रन करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चलेगा हाँ मुझे TDS का देखना है तो TDS का आप ओपन कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैसे टैक्सेशन लगता है VDA पे, वो हम लोग अब प्रैक्टिकली देखेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। तो दिया है कंप्यूट द इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर अजय, अजय करके कोई बंदा है जिसकी उम्र कितनी है, 35 साल है, ठीक है। तो अजय 35 साल का बंदा है, हु हैज़ द फॉलोइंग इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। पहला है इंटरेस्ट ऑन FD विद BOB बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी है, नेट इज 1,10,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट HDFC बैंक 15,000। फिर इसका कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ VDA को बेचा तो 62,000 मिला। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका 21,000 है। फिर बोला एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ VDA 10,000 है, मतलब VDA को ट्रांसफर करने का खर्चा। अब आपको निकालना है उसकी इनकम टैक्स पेएबल। तो सबसे पहला क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा VDA का प्रैक्टिकली, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये चेक करना है उसकी इनकम VDA से कितना है और अदर इनकम कितनी है। अदर इनकम में सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी सब आ जाएगा। तो अगर आपने देखा होगा, ये देखो, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 से लेके ये 4 पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये VDA से है। देखो VDA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, VDA, बस यही दो इनकम उसका क्या है, अदर इनकम है। तो इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे दिया, तो टोटल इनकम अदर देन ट्रांसफर ऑफ VDA इज 1,10,000 प्लस 15,000, कितना हो गया 1,25,000। तो आपको पता है 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है। अब आप बोलेंगे सर अभी तो बजट आया उसमें 3 लाख हो गया, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, अपने लिए 2,50,000 है। आई बस समझ में, नेक्स्ट ईयर सॉल्व करेंगे तो 3 लाख ले लेना, तो भी 2.5 लाख के अंदर अंदर है, इट इज़ बिलो 2,50,000। आई बात समझ में, ये 1,25,000 इज बिलो 2,50,000, तो ये क्या हो गया, इट इज़ बिलो बेसिक एग्जेम्पशन ऑफ 2.5 लाख, तो नो टैक्स ऑन दिस इनकम। अब नो टैक्स आ गया, अब ये नहीं बोल सकते नो टैक्स है तो भाई ये वाली इनकम को भी एक्सक्लूड करो, नो, ये आपको अलग से टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115BBF करके है, जिसके अंदर आपको टैक्स रेट जो दिया है 30% दिया है, BBH है, जिसके अंदर 30% टैक्स लगेगा। और क्या बताया था, उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, तो उसके अंदर ये बताया है कि VDA को जब आप ट्रांसफ़र करोगे ना, तो उसका अमाउंट 50,000 को एक्सीड करना चाहिए। तो 50,000 को एक्सीड कर रहा है यहाँ पे, यस कर रहा है, इट इज़ 62,000। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब इसको कमाने के लिए आपने उसको कितने में खरीदा, 21,000 में खरीदा। और अदर एक्सपेंस ये है, तो मैं आपको बता दूं, वीडियो में यही बताया गया है प्रीवियस वीडियो में, कि जब सेल होगा ना तो सेल में से सिर्फ उसका परचेज माइनस करो और कुछ माइनस नहीं कर सकते। तो ये 10,000 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आई बात समझ में, तो 10,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। तो याद रखना, नो डिडक्शन इज अलाउड एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जो परचेज किया है वही खर्चा माइनस करो, बाकी कोई खर्चा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो एग्जेम्पशन दिया था तो इसलिए नो टैक्स आया, लेकिन VDA पे टैक्सेबल होगा 30%, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इनकम फ्रॉम VDA कितना हो जाएगा, 62,000 है सेल और 21,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ये 10,000 हम लोग नहीं लेंगे, अभी मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस होगा, बाकी कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं है। तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 41,000। अब बोलेंगे सर ये तो 41,000 है, 50,000 के नीचे, अरे मेरे भाई 62,000 लेने का कंसिडरेशन, एक्चुअल में कितना आया वो 50,000 को एक्सीड कर रहा है क्या, प्रॉफिट नहीं बोल रहे आपको, तो 41,000 आ गया। अब 41,000 पे आप क्या करोगे, टैक्स निकालोगे, ठीक है। तो टैक्स कितना आ जाएगा, 41,000 पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा 31.2%, कैसा 30%, 4%, तो कितना आएगा 12,792। और आपको पता है TDS इज एप्लीकेबल 1%,
है ना। तो सामने वाले ने जो बायर है ये कौन है, ये कौन है, ये बायर है कि सेलर है, ये सेलर है, ट्रांसफर ऑफ वीडीए, आई बात समझ में, ये सेलर है। तो इसके लिए किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया होगा, आई बात समझ में, तो किसने डिडक्ट किया होगा, तो 1% के हिसाब से, तो 1% के हिसाब से क्या होगा, TDS एट द रेट ऑफ 1% 62,000 का, तो 620 आएगा। तो 620 उसको काट के मिला होगा, जब ये कंसिडरेशन मिला होगा ना 62, तो 620 काट के मिला होगा। तो थोड़ी ना ये 12,792 भरेगा, वो बोलेगा मैंने तो TDS इतना पे किया है, तो इतना माइनस करके दे दो भाई। तो नेट टैक्स पेबल जो आएगा वो आएगा 12,792 माइनस 620, 12,172। आई बात समझ में। अब बोलेंगे सर ये FD के ऊपर भी TDS होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेट लिख दिया है, वो सब मगजमारी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब समझ में आया। तो TDS एप्लीकेबिलिटी जो होती है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे देखा, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग अपनी आने वाली जो वीडियोस होंगी उनको इम्प्रूव कर सके। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।